आइए आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों में मुसीबत बन सकता है चक्रवाती तूफान। दोस्तों आपको बता दें कि इस तूफान का नाम है आसनी, जिसमें आपको अलर्ट पर रखा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग IMD ने गुरुवार को चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर के ऊपर बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र अगले सप्ताह से चक्रवात में बदल सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि विभाग के अनुसार ऐसा अनुमान है कि यह चक्रवाती तूफान बांग्लादेश और उत्तरी म्यांमार की ओर बढ़ सकता है। विभाग ने इस तूफान का नाम आसनी रखा है। तूफान को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक भी की है। मौसम विभाग ने बताया है कि तूफान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तरफ बढ़ने से पहले कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया था। विभाग के अनुसार आपको बता दें कि 21 मार्च को चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और 22 मार्च तक उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने का अनुमान बताया गया है। चक्रवात में बदलने के बाद यह तूफान आसनी कहलाएगा। यह नाम श्रीलंका की तरफ से दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तीनों सेनाओं को अलर्ट रहने के लिए कहा है।